ये बहुत जरूरी है। इनोवेशन अडॉप्ट करना, सिचुएशन फ्यूचर को देखना, भविष्य में क्या रखा है, मैं कैसे कमा सकता हूं, भविष्य में किस चीज की रिक्वायरमेंट आने वाली है और वो चीज अगर मैं अभी करना शुरू कर दूं। एग्जांपल ले लो ना कैरी मिनाटी का एग्जांपल लो, भुवन बाम का एग्जांपल लो, मैं मेरा एग्जांपल भी दे सकता हूं आपको। कभी कभार पूछें लक क्या होता है, लक इज एक्चुअली आपकी, आपने बहुत समय से प्रिपरेशन करके रखी और एक दिन ना वो अपॉर्चुनिटी खुल गई, बस आपकी प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों मिली, आप लकी हो जाते हो। सेम चीज किसके साथ थी, कैरी मिनाटी के साथ। कैरी मिनाटी वाज द फर्स्ट पर्सन, इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने रोस्टिंग शुरू की थी, तब लोग एक्सेप्ट ही करते थे। जब रोस्टिंग का कल्चर आया तो कैरी मिनाटी एकदम से फेमस हो गए क्योंकि उसी ने शुरुआत की थी। भुवन बाम ने जो मल्टीपल कैरेक्टर की शुरुआत भुवन बाम ने की थी, जब इसका सिनेरियो आया भुवन बाम सबसे टॉप पे था। आप टेक्निकल गुरुजी को ले लो, टेक्निकल गुरुजी ने सबसे पहले इंडिया में, जब सबसे पहले लोगों में से वो शुमार थे जब टेक्निकल रिव्यू करने शुरू किए थे गैजेट्स के, और आज वो पायनियर है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा नाम है। फ्लाइंग बीस्ट का एग्जांपल ले लो, ब्लॉगिंग में सबसे फेमस नाम है क्योंकि उस बंदे ने जिस लेवल से ब्लॉगिंग वो करते हैं वो उसके पायनियर है।